नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ब्लॉगिंग आर्टिकल जो है अगर उसको वायरल करना है, मतलब उसमें काफी ज्यादा ट्रैफिक लाना। वायरल कहने का मतलब यहां पे बिल्कुल ये नहीं कि आपने कोई भी आर्टिकल डाला, कुछ भी कंटेंट डाला और वो वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब किसी भी आर्टिकल के ऊपर अगर आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है ट्रैफिक लेकर आना है और यूनिक विजिटर लेकर आनी है, तो वहां पर जो है आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो चार पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपके आर्टिकल के ऊपर जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पे जो है ब्लॉगिंग के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ब्लॉगिंग का करियर बहुत लोग बोलते हैं कि यार खत्म हो चुका है, तो नहीं खत्म हुआ है। अभी भी ब्लॉगिंग के अंदर जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। आप लोग, मैं एक दो वीडियो के बाद जो है आपको बताने वाला हूं, आप चाहिए मैं आपको दिखाऊं कि ब्लॉगिंग के अंदर जो है बाकी अभी भी जो है ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो डेफिनेटली यार मैं आप लोगों को एक लाइव प्रैक्टिकल जो है दिखाऊंगा एनालाइज करके कि किस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वाकई ब्लॉगिंग का करियर जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। खैर, ये अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जो है आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहला जो अगर वायरल करना है आर्टिकल, तो वहां पे जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसमें भी अपने सारे स्टूडेंट्स को वही बताता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग है उसमें भी मैं कुछ पार्ट जो है एसईओ का कवर करता हूं ताकि जो है उनको सक्सेस मिल सके। तो यहां वहां पर भी सभी स्टूडेंट्स को मैं हमेशा एक चीज बिल्कुल रिकमेंड करता हूं कि आप जो कीवर्ड है, देखो कंटेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कंटेंट बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं कंटेंट लिखने के, लेकिन कंटेंट लिखने से पहले हमें जो चीज के ऊपर ध्यान देना, दैट इज कीवर्ड। अगर कोई ऐसा कीवर्ड हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर कोई सर्च ही नहीं करता, उसको है आपके लिए वो कीवर्ड है लेकिन दुनिया जो है उसको सर्च नहीं कर रही है, बहुत कम लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो क्या वो कीवर्ड आपके लिए बेनिफिट लाएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि उसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल करके जो है आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें जो है कोई भूले भटके अगर आपके आर्टिकल के ऊपर पहुंच जाए तो बात अलग है, अदरवाइज जो है आपको एक यूनिक और या एक ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है वो नहीं मिलने वाला, भले कितने भी अच्छी कोशिश कर लो। हमें जो है कीवर्ड ऐसा रखना है, पहले से उसके ऊपर कुछ एनालाइज करना, ऑप्टिमाइजेशन करना है, कुछ सर्च करने, कुछ एनालाइज करना है कि वाकई यार उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो हमें ट्रैफिक मिलेगा कितना, और ये कीवर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। तो मैं आने वाले वीडियो के अंदर जो है आपको वीडियो एक सेपरेटली पूरा कीवर्ड के ऊपर जो है प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए वो भी बताने वाला हूं। तो यहां पे बात हो रही है कीवर्ड की, तो कीवर्ड जो है आपको ऐसा लेना है जिसके ऊपर जो है ट्रैफिक आ रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नहीं आ रहा, और जिस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा तो वहां पे तो डेफिनेटली। दूसरा, यहां पे मैं आपको बताऊं कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट, मतलब आपने कीवर्ड तो ले लिया, अब कीवर्ड लेने से परफेक्ट ऐसे में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं होगा तो यहां पे हमारी वेबसाइट के ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। कि अगर आप ये सोच लो कि यार मैंने कीवर्ड बहुत अच्छा ले लिया लेकिन अब मेरे पास ट्रैफिक आएगा, लेकिन ट्रैफिक आ तो जाएगा लेकिन आने के बाद उसको मिलेगा कुछ नहीं, वहां से उससे रिलेटेड कुछ क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली यार वहां से लोग जो है सीधा आपकी वेबसाइट से आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आए और चले गए। तो ऐसे में जो है सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को कंटिन्यू मॉनिटर करते हैं और वहां पे आपकी वेबसाइट के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक करने के लायक जो है वो नहीं रहेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं पे आपकी रैंक में आएगी। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट कहने से मतलब है मेरा कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो तो उसको लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर आपको बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने इस पूरे आर्टिकल के अंदर लिखा क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन देना, और उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर इस तरह से उसको लिखना है, इस तरह से आपको दो या तीन लाइन में लिखना है कि पूरे इस आर्टिकल के बारे में जो है उस बंदे को नॉलेज मिल जाए कि हाँ ये चीज जो है इसके अंदर मुझे मिलने वाली है। उसके बाद उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हमें सारी चीजों को ध्यान रखना है, उसमें ट्रस्ट गेन करवाना है लोगों का, प्लस उसमें जो है कुछ आपके इमोशंस होने चाहिए, बट एंड ऑफ द आर्टिकल
आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, मतलब उसके अर्थ आर्टिकल को जो आपने लिखा है उसका कंक्लूजन क्या है, आपने आपके हिसाब से जो है, क्योंकि आपने वो आर्टिकल लिखा तो यू आर द एक्सपर्ट फॉर दैट, तो डेफिनेटली यार आपको हिसाब से जो है उसके कोई भी अगर एक्स वाई जेड जो भी आपने लिखा है उसके कंक्लूजन जो है बहुत ही अच्छा से आपको डिस्क्राइब करना, और कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, एक दो लाइन लिख में एक दो लाइन के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है अच्छे से लिखना है, ताकि जो भी बेनिफिट मिले, जितना भी बेनिफिट है वो यूजर को मिले, जो हमारे पास आ रहा है उसको मिले, तब जाकर जो है हमारे पास यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है ऑटोमेटिकली, अगर टाइम लोग स्पेंड करने लग जाएंगे तो हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंकिंग की तरफ बढ़ेगी। बट यहाँ पे दो ही से काम नहीं होगा, तीसरा यहाँ पे काम होता है प्रमोशन। प्रमोशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत तरह के प्रमोशन होते हैं, पेड प्रमोशन होते हैं, फ्री प्रमोशंस होते हैं। मैं यहां बात करूं आपकी फ्री की, अगर आपकी पेड की कैपेसिटी है तो आप पेड में भी जा सकते हैं। अब ये प्रमोशंस कैसे करे जा सकते हैं पेड वाले, तो उनके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं यहाँ पे फ्री के प्रमोशंस की। फ्री का प्रमोशन कहने का मतलब है, सपोज कर लो कि आपने एक दुकान ओपन करी है, उस दुकान का आपने ओपनिंग कर दी, उसमें सामान भी बहुत अच्छा रख लिया, लेकिन अगर आप किसी लोगों को बताओगे नहीं, कहीं पे किसी को प्रमोट नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि मेरी दुकान है, तो क्या लोग आप तक आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं आपकी दुकान के अंदर कोई प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। अब जनरली एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई छोटी से छोटी दुकान देख लो, उसके सामने बाहर साइड पे एक बोर्ड लगा होता है, भले ही वो दुकान का शटर बंद होता है, लेकिन हमें उससे उसके जो बोर्ड सामने लगा हुआ है उस बोर्ड को देख के हम समझ जाते हैं इस दुकान पे क्या मिलता है, तो दैट इज प्रमोशन। तो इसी तरह से यहां पर भी हमें प्रमोशन करना है कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर ये एक आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल के अंदर हमने कुछ लिखा है और क्या वैल्यू डाली है, वो चीजें हमें प्रमोट करनी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करो, अपने फ्रेंड सर्कल में करो, या फिर जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं उनके द्वारा जो है आपको प्रमोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्या है? चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो वो उसके ऊपर रेगुलर कंटिन्यूटी में जो है ट्रैफिक आता रहे, तो ऐसे में जो है आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि हफ्ते में दो या तीन जो है आपको आर्टिकल डेफिनेटली वहां पे पब्लिश करने ही करने हैं, और सबकी जो मैंने अभी जो चीजें बताई हैं उनको आपको मेंटेन करके रखना है। भले ही आप हफ्ते में दो लिख रहे हो, लेकिन जब लिखो उसको पब्लिश करने से पहले जो है पूरी चीजें चेक करो, स्टेप बाय स्टेप चेक करो, तो वहां पे सारी चीजें चेक करके अगर आप पब्लिश करोगे तो डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट भी बना रहेगा। अगर आपने किसी भी आर्टिकल के अंदर या ये कर लिया कि एक बहुत अच्छा बना लिया, उसके बाद बाकियों के अंदर जो है आपने क्या नहीं करा, उसकी जो भी चीजें आपको लगी कि यार हाँ ये भी डाल दे ये भी डाल दे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा, तो उससे होगा क्या कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी एक शॉप के जो है रेगुलर कस्टमर हैं, तो जब तक वो शॉपकीपर आपके साथ बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तब तक तो आप वहां पे जाते रहोगे, क्योंकि आपकी वो फेवरेट दुकान है, वहां से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह सारी चीजें सारी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मिल रही है। लेकिन जब आप एक बार गए तो उसने अगर सामने से आपको अच्छे से बात नहीं करी, आपसे जो है थोड़ा सा ईगो दिखाया उसने, तो क्या आप उस दुकान पे वापस जाओगे? नहीं जाएंगे। तो यही चीज जो है हमारे यहाँ पे भी होती है, भले ही ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, बट यहाँ पर भी जो है हम किसी भी तरह का कोई भी टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते, अगर वाकई हमें इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको चार चीजें बताई हैं जो कि बहुत ही ध्यान रखने लायक है। पहला है आपका कीवर्ड रिसर्च, आपका कीवर्ड रिसर्च बराबर होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तीसरा मैंने आपको बताया प्रमोशंस, और चौथा मैंने बताया कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार पिलर हैं, और अगर इनके ऊपर जो है आप परफेक्टली काम करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो मिलना स्टार्ट होगा। बट यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि इसमें जो है पूरा कैटेगराइज करने वाला हूं, पूरी एक अलग अलग लिस्ट बनाने वाला हूं, प्लेलिस्ट रहेगी, उसके अंदर ही आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिलेंगे, एसईओ के आपको एसईओ के अंदर मिलेंगे, ब्लॉगिंग के आपको ब्लॉगिंग के अंदर मिलेंगे। तो अगर आप कोई भी जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है तो वहां पे जाके आप जो है सारी चीजों को अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हैं, और एक एक्सपर्ट बनके जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या ब्लॉगिंग के अंदर जो है काफी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। सो दोस्तों आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें,
शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।